हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट यू रिपेयर। और मैं एक और फ़ोन के साथ आप लोग के साथ हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो मेरे पास प्रॉब्लम है ये है J7 Prime है या तो फिर J5 Prime है, लेकिन J5 Prime है, मॉडल नंबर इसका G610F। तो दोस्तों, ये चालू भी नहीं हो रहा। ये देखिए, चालू नहीं हो रहा, ठीक है, चालू नहीं हो रहा। और चार्ज में लगा रहे हैं तो ये चार्ज भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कस्टमर ने मुझे दिया था कि चार्जिंग का प्रॉब्लम है, चार्जिंग नहीं हो रहा ये, लेकिन जब दिया था तो डेड था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इस फ़ोन में जो है चार्जिंग प्रॉब्लम हो या डेड प्रॉब्लम हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज़, सबसे मेन चीज़ जो होता है दोस्तों, इस फ़ोन को खोलना ही आफत है, ठीक है दोस्तों। खोलने में क्या होता है कि इसका डिस्प्ले निकल जाता है, डिस्प्ले टूट जाता है, ठीक है। तो मैं आज तरीका बताऊंगा आराम से कि आप किस तरह से इसको आराम से खोल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले जो है इसका टूटा हुआ लग रहा है मुझे, क्रैक क्रैक हल्का हल्का लग रहा है भीतर से। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे ठीक करेंगे, चालू तो हो नहीं रहा दोस्तों। फ्रेश फ़ोन जिस तरह से कस्टमर देता है, मैं उस तरह से जो है सीधा आपके पास लाता हूँ और काम करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ, ठीक है। तो इसको, इस फ़ोन को खोलना ही मुश्किल है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि डिस्प्ले इसका टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। मैं इसको सेपरेटर मशीन में भी नहीं डालता हूँ, ज़्यादा हीट पड़ जाने से क्या होता है कि पीला पीला सा जो है निशान आ जाता है डिस्प्ले पर, ठीक है। तो हम धीरे धीरे से इसको खोलेंगे और इसको देखेंगे कि क्या हो सकता है, इसको कैसे ठीक करेंगे। हालांकि दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट मार्केट का लगाया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये आराम से खुल जाए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फ़ोन खोल लिए हैं, अब हम पूरा फ़ोन को खोलते हैं। सबसे पहले तो इसको हमको साफ़ करना पड़ेगा, बिना साफ़ किए नहीं निकलेगा। तो हम इसको साफ़ करेंगे, तो दोस्तों देखिए, मैंने फ़ोन को खोल दिया है और फ़ोन का हालत तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, पूरा गंदा सा दिख रहा है। तो सबसे पहले जो हम बोर्ड को निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। डिस्प्ले हम साइड में रखते हैं। तो बोर्ड निकाल लिया है, और बोर्ड निकालने के बाद चालू क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहला चीज़ जो है हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो है मेरा चार्ज बैटरी है कि नहीं। तो 2.5 दिखा रहा, मतलब बैटरी मेरा चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे इसका चार्जिंग का जो जैक है, इसमें इंसर्ट करके देखेंगे कि जो मेरा चार्जिंग का वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। डेड सेट आता है दोस्तों, तो सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है यही करना है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे रीडिंग लेना है और देखना है कि इन दोनों पॉइंटों में मेरा रीडिंग क्या बता रहा है, ठीक है।
देखिए 3.0 रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों कि चार्जिंग जो है इसका वोल्टेज जो है कम आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज कम आ रहा है, इस वजह से जो है ये इसको चार्ज नहीं कर पा रहा, 3.0 रीडिंग आ रहा है। ये देखिए 1.0 कभी दिखा रहा है, कभी 3.0 दिखा रहा है, इसका रीडिंग 4.0 4.1 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में जो है हम इस चार्जिंग का जो जैक है इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही हम अगला काम करेंगे। क्यों आ रहा भाई इतना कम वोल्टेज क्यों आ रहा है? तो साफ कर, अब क्या करना है, तो दोस्तों मैंने देखिए लगा दिया है, और लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि जो है मेरा चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों अभी भी जो है इसमें रीडिंग जो है 3.0 2.9 ऐसा ही आ रहा, ज़्यादा वोल्टेज नहीं आ रहा। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम दूसरा स्टेप में पहुँचेंगे, ठीक है। जैक मेरा परफेक्ट लगा हुआ है, पहले वाला जो जैक था वो भी इसमें इतना ही रीडिंग आ रहा था, ठीक है। तो अब हम जो काम करने वाले हैं, अब हम करेंगे पे होता है इसका जो चार्जिंग आईसी, तो हम इस चार्जिंग आईसी को तो इस प्लेट को मैंने निकाल दिया दोस्तों, और इस प्लेट को निकालने के बाद जो है, तो अगर आपका चार्ज नहीं होता है जैक चेंज करने के बाद, तो आपको क्या करना है कि देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रैच किया है, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रैच किया है, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। यहाँ से एक जम्पर उठा करके आपको जो है यहाँ पर देख लेना है कि इस जो कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, जो रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका 5.2 रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। अगर रीडिंग नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से चेक करना है कि यहाँ पर मेरा रीडिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे जो मेरा 5.2 रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपका नहीं आएगा तो आप उस प्लस पॉइंट से यहाँ पर एक जम्पर लगा दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ इस प्लस से, इस प्लस पॉइंट से यहाँ एक जम्पर लगा दीजिएगा, तो आपको जो चार्जिंग का सेक्शन जो है इसमें रीडिंग आ जाएगा। लेकिन जो है मेरा यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, 5.2 रीडिंग आ रहा है, ठीक है दोस्तों, 5.2 यहाँ रीडिंग आ रहा है, लेकिन ये जो आईसी जो है फिल्टर करके 4.2 नहीं दे पा रहा, 3.0 दे रहा है या फिर 2.9 दे रहा है, ठीक है।
तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा कि ये जो है इस आईसी को, ये जो चार्जिंग आईसी, इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी चार्जिंग आईसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चार्जिंग आईसी नहीं है, तो मेरे पास देखिए एक जो है, इसको बोलते हैं जीना डायोड। ठीक है दोस्तों, ये जीना डायोड हम मैं लगाऊंगा और इसकी हेल्प से जो है मैं ये फ़ोन रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो जीना डायोड को कैसे चेक करना है, जीना डायोड का जो है चेक करने के लिए आपको ये 5 वोल्ट का जीना डायोड लेना है। ठीक है, ये आपको टीवी दुकान में मिल जाएगा। आपको बी प्रेज पे रख करके फ़ोन को इस तरह से दोनों साइड से रीडिंग लेना है। ठीक है, तो देखिए एक साइड इसका रीडिंग नहीं बता रहा है, ठीक है, और एक साइड रीडिंग बताएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक साइड रीडिंग बता रहा है, अगर दोनों साइड आपका रीडिंग बता रहा है तो समझ लीजिए जीना डायोड आपका खराब है। ठीक है, लेकिन मेरा जो है एक साइड रीडिंग बता रहा है और एक साइड रीडिंग नहीं बता रहा, इसका मतलब यह है कि मेरा जीना डायोड ओके है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, हम इसको क्या करेंगे कि, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास आईसी का जुगाड़ कर सकते हैं तो आप आईसी लगाइए। ठीक है, क्योंकि वो बेटर रहता है, क्योंकि ये जो है कई बार होता है कि गर्म होने लगता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा वोल्टेज को जो है आगे फिल्टर कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे आपको देखेगा आपको ब्लैक पॉइंट। ठीक है, तो ब्लैक पॉइंट को आपको इसको इस तरह से जो है बैटरी के प्लस पॉइंट पे लगाना है। ठीक है, तो बैटरी का प्लस पॉइंट मेरा ये वाला है, तो हम बैटरी के बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट पे हम जीना डायोड को इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लगा दिया है प्लस पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट पे अब जहाँ पे मेरा 5.2 रीडिंग आ रहा था वहाँ पर आपको ये लगा देना है, या तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 5.2 रीडिंग आता है। ठीक है, अगर आपका जैक ओके रहा तो, और उसके बाद हम इसको इस तरह से, हालांकि मैं अभी चेक करने के लिए सिर्फ लगा रहा हूँ, उसको कटिंग करके जो है मुझे बढ़िया से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं कर लूँगा बाद में, पहले देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये देखिए यहाँ पे लगा दिया है, और लगाने के बाद अब हम यहाँ पे रीडिंग लेते हैं यहाँ पे बैठ कि क्या मेरा जो है क्या रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो ट्वेंटी पे सेट करके तो देखिए दोस्तों 4.3 दिखा रहा, 4.3 दिखा रहा, 4.4 दिखा रहा, तो ये जो है 4.1 आना चाहिए, लेकिन ये 2-3 वोल्ट जो है 0.2 वोल्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मेरा फ़ोन जो है ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सेट करके देखते हैं कि मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, तो दोस्तों ये देखिए, अब ये देखिए चार्ज लेने लगा है फ़ोन, डिस्प्ले भी मेरा ओके है। ठीक है, तो 3.7 वोल्टेज जैसे बैटरी में भरेगा दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जीना डायोड मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है, और इस तरह से काम कर सकते हैं, टेम्पोररी काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देख लेना है कि ये ज़्यादा गर्म ना हो, अगर गर्म होता है तो आप इसको निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये जो है ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जंपर मार के फिर से लगा दूंगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।